नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली के शुभ अवसर पर कौन सी वो चीज है जो आपको अपने घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। दीपावली की सफाई में आप अपने घर से कूड़ा करकट बाहर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो ऐसे में बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से तुरंत ही बाहर कर देनी चाहिए, अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी जी का ऐसे घर में प्रवेश नहीं होता है। दोस्तों, खुशियों और रोशनी का त्योहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उनके घर आती है, लेकिन अगर आपके घर में दिवाली के दौरान यह अशुभ वस्तुएं होगी तो माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगी। इसलिए घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी जी का घर में वास हो तो आप सभी को दीपावली से पहले, यहाँ तक कि धनतेरस से पहले ही अपने घर से क्या चीजें अवश्य ही निकाल फेंकनी चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी जी का वास। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि साल भर धन की कमी आपको ना झेलनी पड़े। दोस्तों, दीपावली का पर्व पूरे 5 दिन का होता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी भाई दूज तक मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार धनतेरस का पावन पर्व 23 अक्टूबर व रविवार को है। धनतेरस का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और इस बार पूजन का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर रविवार शाम 5:44 से 6:05 तक का है, क्योंकि इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, जो कि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से लेकर 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक रहेगी। तो इस बार आपको खरीदारी के लिए 2 दिन मिलेंगे, इसलिए इस बार की धनतेरस लोगों के लिए डबल धमाल करने वाली है, यानी दुगुना लाभ देने वाली मानी जा रही है, जो कि धन संपत्ति के मामले में दुगुना लाभ करा सकती है। तो आप धनतेरस की खरीदारी 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2 दिन कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में गंदगी होती है उस जगह माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होता है। माँ लक्ष्मी जी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से बाहर निकालने की जगह उन्हें दोबारा घर में ही संभाल कर रख लेते हैं, जिससे हमारे घर में नकारात्मकता का संचार होता है और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मोटाव होता है, गरीबी आती है, आलस्य रहता है और बीमारी बनी रहती है। तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो, घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए या घर में कभी भी पैसों की कमी ना रहे, तो आप भी धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, क्या है वो चीजें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बर्तन। हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई घर का। जी हाँ दोस्तों, और रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए और ना ही टूटे फूटे बर्तनों में कभी भोजन करना चाहिए। बर्तन टूट जाए या फिर चटक गए हैं तो तुरंत ही इन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर आपके घर में भी ऐसे बर्तन हैं तो आप इन्हें दीपावली से पहले ही घर से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होता है। दोस्तों, दूसरी चीज है जूते चप्पल। दोस्तों, साल भर में हम कई सारे जूते चप्पल खरीदते हैं। कई जूते चप्पल तो ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें घर से बाहर नहीं फेंकते हैं और उन्हें अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने जूते चप्पल है तो आप दीपावली के त्योहार से पहले ही साफ सफाई करते समय अपने घर से जूतों को बाहर निकालना ना भूलें। जिन जूते चप्पलों को प्रयोग नहीं करते हैं
वो फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को लेकर आते हैं। दोस्तों तीसरी चीज है बेकार घड़ी। दोस्तों हम घड़ी तो सभी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी कई बार उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में ही रख लेते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपके घर में कोई भी बंद घड़ी, चाहे वो दीवार घड़ी हो या हाथ की, उसे या तो धनतेरस से पहले ही ठीक करा लें या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि घड़ी आपकी प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से ही आपकी उन्नति में बाधक है। इसलिए घर में बरकत और उन्नति के लिए आप इस दिवाली से पहले ही बंद घड़ी अपने घर से निकाल दें। दोस्तों चौथी चीज है खंडित मूर्तियां। कभी भी किसी भी देवता की खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई भगवान जी की फोटो घर में रखनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जी की जो मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाती है उससे भगवान जी का रूप निकल जाता है, वो केवल मूर्ति ही रह जाती है। ऐसी मूर्ति की पूजा से दोष लगता है। अगर आपके घर में भी ऐसी भगवान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर है तो उसे आप तुरंत ही अपने घर से निकाल दें। साथ ही दीपावली की पूजा में मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके ही पूजा करें, तभी दोस्तों देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी। चलिए अब हम जान लेते हैं उन चीजों के बारे में भी जो आपको अपने घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए दिवाली के शुभ अवसर पर। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको अपने घर पर टूटा हुआ झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ झाड़ू घर में रखने से दरिद्रता आती है। इससे आपको दिवाली की सफाई में दिवाली से पहले ही बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसे दिवाली से पहले बाहर नहीं किया है तो दिवाली के दिन के समय आप अपना टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी जी आपके घर से चली जाती है। इसलिए आप दिवाली के दिन कहीं पर भी छुपा कर इसे रख दीजिए और अगले दिन आप इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह लाल वस्त्र अगर आप अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं या फिर फटे हुए या किसी और कारण से, तो आप दिवाली के दिन के समय ना फेंकें। और वहीं दोस्तों माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई चीजें भी आपको दिवाली के दिन अपने घर से भूल कर भी बाहर नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजें अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं तो खुद ही आप अपने घर से माँ लक्ष्मी जी को विदा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये गलती आप भूल कर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको खास धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन क्या वो चीज है जो लाकर खा लेनी चाहिए। दोस्तों दोनों ही दिन बहुत शुभ है, धनतेरस और दीपावली का। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन आप ये चीज जरूर लाकर खाएं। आपको खाना है इस दिन दोस्तों केला। केला घर में इस दिन जरूर लाएं, जिसे आप धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन जरूर खाएं। बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि दोस्तों केला जो फल है वो आपके घर में समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप इस दिन केला खाते हैं तो आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप धन पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर से सभी मुसीबतें दूर हो जाए, तो इस दिन केला खाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें कि इस दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और दीपावली के दिन भी। दोस्तों दीपावली के दिन आपको जो भगवान का भोग बनाना है शाम के समय, उसमें आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन अगर आपके द्वार पर गाय आती है तो उसे भी केला जरूर खिलाएं। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन गाय को अगर आप केला खिलाते हैं, इससे आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इस दिन आप रोटी में गुड़ रखकर भी गौ माता को जरूर खिलाएं। तो दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक इन 5 दिनों में आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इन दिनों में नए धुले हुए और साफ सुथरे वस्त्र आपको पहनने चाहिए। अगर आप नए वस्त्र पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नए आप नहीं पहन सकते तो साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपको इन दिनों में पहनने चाहिए, लेकिन काले वस्त्रों का प्रयोग आप भूल कर भी ना करें। दोस्तों अब आपको बता दें कि इस दिन आपको क्या वो जरूरी कार्य है जो जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन आप ये काम करने से ना चूकें। आपको धनतेरस के दिन यम के निमित्त एक दीपक जरूर लगाना चाहिए।
यम के निमित्त जो आप एक दीपक लगाएंगे उसमें एक कौड़ी और एक रुपए का सिक्का जरूर डालें। इसके साथ ही दोस्तों आपको दिवाली के दिनों में यानी धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिनों में माँ तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों तुलसी जी को रोजाना जल चढ़ाया जाता है, लेकिन आपको धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये खास काम जरूर करना है। आपको जल के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाना है और फिर आपको तुलसी जी को अर्पित करना है। दीपावली के दिनों में विशेष रूप से माँ तुलसी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों धनतेरस की रात और दीपावली की रात आपको पूजन के बाद तुलसी में भी एक दीपक लगाना है और उस दीपक में आपको एक सुपारी और कपूर डालना है। दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा के साथ साथ आपको माता तुलसी जी की कृपा भी प्राप्त होगी। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।